हाय गाइस, वेलकम टू द जर्नी स्किल्स यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, DU की सिमुलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज हो चुकी है। एंड बेसिकली दिस रैंक लिस्ट विल टेल यू कि DU को जितना भी 2-2.5 लाख बच्चों का कॉम्पिटिशन है, आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। नाउ मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे अपनी रैंक लिस्ट को लेकर कि भैया हमको कोर्स मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या अपनी इस रैंक को कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपनी रैंक को चेक कैसे करना है। इन केस यू हैवन चेक्ड, सबसे पहले आप अपने CSS पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड बाकी क्रेडेंशियल्स डाल के आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपकी रैंक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहले एक कॉमन रैंक और दूसरा एक कैटेगरी रैंक, एंड एक रैंक्स मल्टीपल कोर्सेज में डिवाइडेड होंगी। नाउ कम टू द एनालिसिस पार्ट, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रैंक आई है बीकॉम ऑनर्स में 5000। नाउ आप सबसे पहले गलती जो करेंगे कि आप चेक करेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन बीकॉम ऑनर्स, और नंबर ऑफ सीट्स अज्यूम करते हैं 3000 है। तो सबसे पहले सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं कि भैया हमारी रैंक 5000 है, सीट्स 3000 है, हमको ये कोर्स नहीं मिल पाएगा। बट गाइज, देयर इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर जितने भी रैंक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे एक ही कोर्स में अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी रैंक होल्डर्स आपके बीकॉम ऑनर्स में आपसे ऊपर हैं, वो बीकॉम प्रोग्राम, वो इको ऑनर्स, या वो BMS, या आगे जितने भी अलग कॉमर्स के कोर्सेज हैं वो उनमें भी अप्लाई करेंगे। तो इट डज नॉट रिड्यूस द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन इन टू दैट पर्टिकुलर कोर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपकी रैंक नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो इट वोंट मीन कि आपके जो आपको वो कोर्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपसे ऊपर जो रैंक होल्डर्स हैं वो अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, प्लीज ज्वाइन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज हेयर। एंड ऑल्सो इन द कमिंग phase 3 वील बी अपलोडिंग मोर वीडियोज फॉर द रिगार्डिंग अपग्रेड फ्रीज इन डिटेल, एंड यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। थैंक यू गाइज।